मजा आ गया। तो इस जगह को मैं 10 out of 9 रेटिंग दूंगा इन थिएटर कचौड़ी सब्जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव साहू। इवन दो इट इज अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड सल्ट्री संडे मॉर्निंग, बट बहुत दिन से मैं मन कर रहा था इलाहाबाद के एक्सोटिक स्ट्रीट फूड ट्राई करने का, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कचौड़ी सब्जी खाने। क्या ट्राई करूँ? हेलो, हम चंगू के साथ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं लोकनाथ एरिया में, जो चौक से थोड़ा सा ही दूर है, मतलब 10 कदम वॉकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ का हमने सुना था यहाँ पर सुबह सुबह कचौड़ी सब्जी की स्टॉल लगती है, दे आर वेरी टेस्टी। तो अभी हम लोग वही ट्राई करने आए हैं, लेकिन सामने देखिए लगी हुई है। इसको बनवा भी लेंगे ना। एक्सट्रीमली हॉट, इट इज एक्सट्रीमली हॉट। हाथ हमारा जल रहा है। लुक एट द क्वांटिटी, ये सब्जी, ये दाल है। अरे अंदर तक दाल लग रहा है, ये कचौड़ी है। कचौड़ी इज वेरी क्रंची। हाँ नहीं, ये बात तो है, इलाहाबाद में कचौड़ी सब्जी नहीं खाई, दही जलेबी नहीं खाया, तो कुछ नहीं खाया। दिस इज द बेस्ट पार्ट। ये आलू बैंगन सब्जी है, सो टेस्टी। ऊपर से इसमें दही डाल के दिया हुआ, इसमें ये कॉम्बिनेशन हमने पहली बार ट्राई किया। आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ, तो हमने दो एक्स्ट्रा कचौड़ी ली है, क्योंकि लिटरली हमें हमारे अभी खाए जाने का कर रहा है। मतलब इस जगह को मैं 10 out of 9 रेटिंग दूंगा इन केस ऑफ कचौड़ी सब्जी। प्रयागराज में लोकनाथ एरिया है, उसके जस्ट सामने ये जो श्रीराम ज्वेलर्स, सामने जो है इनका स्टॉल है। चाचा इज टू बिजी राइट नाउ, कह रहे हैं पैकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड चाचा इज फनी एज वेल, अभी किसी ने पूछा कि राइस मिलेगा, बोले घर जाओ हमारे मेहरारू के पास बना के। क्या है कि हम घर के निकल ही रहे थे, बट हमको क्या है गर्मा गर्म जलेबी भी दिख गई और दही। तो ये भी कॉम्बिनेशन है प्रयागराज का, दही के साथ जलेबी खाना सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, स्वीट एंड सार का एकदम डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, हो गया है कार्यक्रम समाप्त, घर चलते हैं। अब जाके रानी पे बैठ के हम लोग निकलेंगे, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। क्यों? कुछ अर्जेंट आ गया है जिसको रोक नहीं सकते, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो इस जगह पे आने का जो आइडिया था हमारे एक परम मित्र है उनका था, तो उन्होंने क्या है कि आश्वासन दिया